वेलिया पट्टाथरी यानी वीआईपी 2 से करीब 2 दशक बाद तमिल फिल्म उद्योग में वापसी कर रही अभिनेत्री काजोल का कहना है कि फिल्म में उनका और धनुष दोनों का ही किरदार दमदार है। काजोल ने ये भी बताया कि धनुष ने उनसे कहा था कि फिल्म में 50% डायलॉग्स अंग्रेजी में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें भाषा सीखने के लिए 2 दिन का समय लगा। हाल ही में काजोल धनुष के साथ देश की राजधानी दिल्ली में फिल्म को प्रमोट करने पहुंची। इस इवेंट के दौरान जब काजोल से पूछा गया कि क्या उन्हें इस फिल्म को करने में भाषा की परेशानी का सामना करना पड़ा, काजोल का जवाब था, मैं जानना चाहता हूं क्या कौन सी सीन पर आपकी टिपिकल हुआ था। पहले सीन से ही शुरू हुआ था लेकिन पहले सीन से ही शुरू हुआ था, लेकिन जैसे मैंने कहा एक हमने बेसिकली 2-3 तरह के सिस्टम ट्राई किए ताकि ऐसे लग सके कि मुझे तमिल बहुत आराम से आती है और मैं मतलब आई एम टॉप इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। और लेकिन 1-2 दिन लगे मुझे, आई हैव टू से ऑनेस्टली, कि मुझे 2 दिन लगे टू गेट इनटू इट, टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ द लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का जो एक लहजा होता है तो वो समझने के लिए मुझे 2 दिन लग गए, लेकिन 2 दिन के बाद उसके बाद हमने बहुत आराम से शूटिंग की। हाँ बिल्कुल, इट टुक मी 2 डेज टू गेट इनटू इट, बट आई थिंक लास्ट डे पे हम लोगों ने पूरा एक सीन किया जो एक शॉट का सीन था, और मैं देखते ही मैंने बोला देखा, मुझे पता था, इतना झूठ बोला मुझे साइन करते वक्त, इतना झूठ बोला, 50% डायलॉग इंग्लिश में, कितना इंग्लिश है इसमें मुझे बताओ, एक वर्ड भी नहीं दिख रहा मुझे इंग्लिश में यहाँ पे, तो नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोलने के बाद हमने, मुझे लगता है, अच्छी पिक्चर बनाई है। तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म वीआईपी के सीक्वल में अभिनेत्री वसुंधरा नाम की एक तेज तर्रार महिला उद्यमी के रूप में नजर आएंगी। काजोल की पिछले फिल्मों की बात की जाए तो वह हमें 2015 में आई फिल्म दिलवाले में नजर आई थी, और इन दिनों वो अपने होम प्रोडक्शन की आगामी फिल्म में व्यस्त हैं। इस फिल्म की शूटिंग काजोल सितंबर अक्टूबर तक शुरू करेंगी। यह फिल्म 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आईएनएस रिपोर्ट।